नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसके महासचिव कौन है और इसकी स्थापना क्यों की गई और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि आप ये सभी जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए, जो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो उसका जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना हुई। आगे देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में जैतून की दो शाखाएं ऊपर की ओर खुली हैं और उनके बीच हल्की नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र है। तो ये था जो इसका प्रतीक चिन्ह है, जो इसका सिंबल है, इसके बारे में जानकारी। अब देखिए दोस्तों, स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 6 भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। उनका नाम है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। दोस्तों इसके सदस्य देश हैं 193 और जो इसके अध्यक्ष है वो है महासचिव बान की बून। दोस्तों अब हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जो पहला उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना है, यानी कि जितने भी वैश्विक स्तर पर युद्ध होते हैं उन सभी को रोकना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो जो उसके विजेता देश थे उन्होंने ये निर्णय लिया था कि एक ऐसे संघ की स्थापना की जानी चाहिए जो वैश्विक स्तर पर युद्ध होते हैं उनको वो संघ रोके। अगला उद्देश्य देखिए दोस्तों, मानव अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि जो छोटे देश है उनके जो अधिकार है, मानव अधिकार, उनकी रक्षा करना इसका उद्देश्य है, ताकि कोई बड़ा देश उसका शोषण न कर सके, उस पर आक्रमण न कर सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, यानी जो इंटरनेशनल लॉ है उनको निभाने में यूएनओ काफी मदद करती है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ता है, उल्लंघन करता है उनका, तो यूएनओ उन्हें दंडित करती है। आगे देखिए, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, यानी जो छोटे देश हैं, जो नए देश हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना भी यूएनओ का मुख्य लक्ष्य है। जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से लड़ना, ये सभी इनके मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के। आगे देखिए दोस्तों, एक अन्य जानकारी आपको दे देता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें काफी विनाश हुआ था, उस विनाश से सभी देशों को नुकसान हुआ था, तो ऐसा युद्ध आगे न हो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई, ताकि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह कोई युद्ध न उभर जाए। तो ये अन्य जानकारी थी दोस्तों। अब हम जानेंगे कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई। तो देखिए, पहला पॉइंट है जो शांति एवं सुरक्षा, यानी शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। दूसरा विश्व युद्ध जो कि सन 1939 से लेकर 1945 तक चला था, इस दौरान काफी विनाश हुआ, और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी काफी विनाश हुआ, तो इस विनाश से दुनिया के जो देश थे वे तंग आ चुके थे। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ऐसा प्रयास किया जाने लगे थे कि भविष्य में इस प्रकार के युद्धों को रोकने एवं शांति सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसलिए शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। ये था पहला कारण। यूएनओ की स्थापना का जो दूसरा कारण था वो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध में होने वाला विनाश, जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें करोड़ों लोग मारे गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई, देशों ने अपार धन संपदा हथियारों के निर्माण पर खर्च की थी, और लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इसी शक्ति और धन को यदि रचनात्मक कार्यों पर खर्च किया जाए तो एक तरफ तो विनाश को रोका जा सकता है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास भी किया जा सकता है। यानी कि जो युद्ध पर खर्चा हो रहा था, अगर उस खर्चे को देश की तरक्की में लगाया जाए तो देश की तरक्की भी होगी, और जो विनाश होता है, इतने करोड़ लोगों की मौत होती है, बिना बात लोग मरते हैं, इस सभी को रोका जा सकता है। तो इसलिए इन सभी को रोकने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना की गई। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट, नाभिकीय युद्ध का भय, यानी दूसरे युद्ध में जापान के दो नगरों पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया, जिसके कारण हुए विनाश को पूरी दुनिया ने देखा और यह महसूस किया कि यदि भविष्य में मानवता की रक्षा करनी है तो
तो नाभिकीय युद्ध को रोकना होगा, यानी परमाणु युद्ध को रोकना होगा। तो इसलिए परमाणु युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, राष्ट्र संघ की असफलता। राष्ट्र संघ को अपनी अंतर्निहित कमजोरियों के कारण दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। यानी जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इससे पहले एक राष्ट्र संघ था, उसका निर्माण किया गया था, लेकिन वो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसको रोकने में असफल रहा। अतः यह आवश्यकता महसूस की गई कि पुरानी गलतियों को सुधारते हुए भविष्य में युद्धों को रोकने हेतु सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसलिए भी यूएनओ की स्थापना की गई। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का उद्देश्य, यानी विकसित एवं औद्योगिकृत देशों ने उपनिवेशों को लंबे समय से शोषण किया था। यानी जो बड़े देश थे उन्होंने छोटे देशों का शोषण किया था। इन उपनिवेशों के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ का एक श्रेष्ठ मंच का कार्य कर सकता था। यानी कि एक ऐसे संघ की जरूरत थी जो वे छोटे देश हैं जो कि उपनिवेशवाद के कारण पिछड़े हुए रह गए, उनकी उनके सहयोग के लिए एक ऐसे संघ की आवश्यकता थी। इसलिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। आगे देखिए दोस्तों, आखिरी पॉइंट है ये कि सामूहिक सुरक्षा की भावना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से छोटे और नए राष्ट्रों की सुरक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें बड़े राष्ट्रों के आक्रमणों एवं हत्याचारों से बचाया जा सकता था। यानी कि जो बड़े देश हैं वे छोटे देशों पर कब्जा कर लेते हैं आक्रमण करके, तो ऐसा न हो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये थे यूएनओ की स्थापना के मुख्य कारण जिनकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसका निर्माण क्यों किया गया, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इसके महासचिव कौन है, इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, इसका निर्माण कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जीके गुरु को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।